नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां हम हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं हमारे वीडियो पर। दोस्तों, आज का वीडियो है, छोटी सी एक एंड्रॉयड की सेटिंग है जिसे हम इजी टच बोलते हैं। एक छोटी सी बॉल जो है हमारी स्क्रीन पर रहती है, उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये जो है सिस्टम है एंड्रॉयड के अंदर, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, यूज़ भी करते हैं। काफ़ी लोग जानते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते। हम इसके आपको फ़ायदे भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम सेटिंग्स पर जाएंगे। सबसे पहले सेटिंग्स पर जाने के बाद हमें जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऊपर से तीसरा ऑप्शन है ईजी टच। यही है दोस्तों आज का हमारा वीडियो, इसको ही हम एक्सप्लेन करने जाएंगे इस छोटे से वीडियो में। इजी टच पर हम क्लिक करेंगे। इजी टच पर क्लिक करने के बाद अभी ये डिसेबल है, मैं इसके इनेबल करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये इनेबल होगा, जैसे ही इनेबल होगा एक बॉल हमारी स्क्रीन पर आएगी और 3 सेकंड के अंदर ही जो है वो स्क्रीन के राइट बॉटम लेफ्ट में जो है सेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने इसको इनेबल किया, देखिए ये आइकन बॉल आ गई है। अभी ये जो है यहाँ राइट में शिफ्ट हो जाएगी। ये जो कस्टमाइज मेन्यूज़ हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद ये आपको बॉल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको साइड में, इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, इसे आप जहाँ चाहे वहाँ पर साइड में कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोन को साइलेंट करना, वॉल्यूम के बटन अप डाउन करना, कैलकुलेटर ढूंढना, आपके शॉर्टकट्स के एप्लीकेशंस और जो है व्हाटएवर। अभी देखिए हम क्लिक करके दिखाते हैं हमने इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर आपको कुछ एप्लीकेशंस दिख रहे हैं जिन्हें हम नॉर्मली दिन में यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पर जो है सेट कर लिए हैं। ये सेट करने के बाद जो है आप नीचे भी देख पा रहे होंगे ये रीसेंट फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप रीसेंट फाइल पर चले जाएंगे। अभी यहाँ पर आप साइलेंट मोड का बटन देख सकते हैं, यहाँ पर जो है साइलेंट मोड होता है क्लिक करने के बाद। यहाँ से आप कैलकुलेटर पर क्लिक कर सकते हैं, देखिए हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। ये कैलकुलेटर पर क्लिक किया और देखिए ये कैलकुलेटर जो है हमारे सामने आ गया है। अब हम यहाँ से जो है कैलकुलेट करके और इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। आप इस पर प्रेस करने के बाद आप कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये ऑप्शन एंड्रॉयड में आता है ये हम गए, यहाँ पे हम स्कैन करेंगे, कोई भी चीज़ हो तुरंत यहाँ से स्कैन हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये ऑप्शन है। इसके बाद जो है और क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप वॉल्यूम की जो है यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप इजी टच की सेटिंग्स पर जाके इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, आइए मैं ये और दिखा देता हूँ। हम इजी टच सेटिंग्स पर क्लिक करने वाले हैं। ये देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनलाइज्ड स्किन आ गई है। आप, मैंने डिफ़ॉल्ट रखी है। यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आप ये एस्ट्रोनॉट बना सकते हैं। आपको देखा यहाँ साइड में आपको एस्ट्रोनॉट दिखने लगा होगा। आप समर का ऑरेंज ले सकते हैं, डीडी बना सकते हैं, डूडल जो है ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। हमने क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, अप्लाई कर रखा है। नीचे आप देख सकते हैं कस्टमाइज मेन्यू में जाके आप जो भी एप्लीकेशन को यहाँ लगा सकते हैं, जैसे क्लिक टू ऐड पर करेंगे हम नेक्स्ट। क्लिक टू ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस लोड होंगी। एप्लीकेशंस लोड होने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर भीम SBI पे लगा देते हैं, हमने क्लिक कर दिया है। ये 90 नंबर का है, इससे पहले भी जो है लगे हुए हैं। हम इसको डन करेंगे। डन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे अब ये जो 9 एप्लीकेशंस है यहाँ पर भीम SBI पे भी आ गया है। नीचे आप देख सकते हैं ये क्विक टूल जो हमने ऐड किए हैं, इन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कैलकुलेटर को ले जाकर यहाँ कर देता हूँ, साइलेंट मोड को ले जाकर यहाँ कर देता हूँ। इन्हें हम जो है यहाँ से इजीली शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये शिफ्ट करने के बाद कस्टमाइज हो चुका है। नीचे आएंगे आप टैप करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा। जैसे हम टैप करते हैं इस पर, देखिए ये टैप करने पर मेन्यू आ जाता है। आप डबल टैप करेंगे तो कस्टमाइज मेन्यू आ जाएगा। मैं इस पर 2 बार टैप करूँगा तो ये कस्टमाइज मेन्यू आ गया है। आप इसके बाद जो है टैप एंड होल्ड करेंगे तो सीधा हमारी जो एंड्रॉयड की होम स्क्रीन आ जाएगी। देखिए मैंने इसको टैप किया और होल्ड किया, जैसे मैं इसको यहाँ से जो है रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करने के बाद देखिए टैप किया, होल्ड किया और हम जैसे इसको छोड़ेंगे ये हमारी स्क्रीन आ गई। देख सकते हैं, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। हम टैप करेंगे इसको, ये टैप किया, होल्ड करके जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये हमारी स्क्रीन आ गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ होल्ड एंड स्लाइड साइडवेज पे
बैक वो चला जाता है, नीचे आप काफ़ी लगा सकते जो है और भी ऑप्शंस लगा सकते हैं। आप इसकी विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, मैंने 100 पर सेट की है। आप इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इस बॉल का जो है साइज यहाँ से छोटा होगा। देखिए ये हमने कर दिया है, ये बॉल गायब हो गई है, ये इसकी जो है ओपेसिटी विजिबिलिटी को अभी हमने 100% किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ है ऑटो हाइड इन फुल स्क्रीन। अगर आप फुल स्क्रीन पर कोई काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो फुल स्क्रीन पर ये ऑटो हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। इसके बाद अगर ये इनएक्टिव है, जैसे कि देखिए यहाँ क्लिक किया हमने, ये आया, 3 सेकंड जैसे ही काउंट होंगे ये दोबारा से बॉल जो है साइड में हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही 3 सेकंड होते हैं ये इनएक्टिव होता है, और इनएक्टिव होने के बाद ये बॉल साइड में हो जाती है। देखिए ये बॉल है, इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, आप 3 सेकंड काउंट कर सकते हैं, ये जो है तुरंत ही बॉल अंदर चली जाती है, ये देखिए। इसके बाद रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है, इसके बाद हम इसका नीचे अपडेट भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड अलग अलग टाइम पर इसके अपडेट्स भी देता रहता है। दोस्तों इसके फ़ायदे यही हैं, जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं आप कुछ ऐसे टूल्स को और ऐसे एप्लीकेशंस को इसमें कस्टमाइज करके लगा सकते हैं, ये बॉल हमेशा आपकी स्क्रीन पर साइड में बनी रहेगी, जिससे आपको बार बार जो है ऐसे एप्लीकेशन में आने के बाद, यहाँ बैक करने के बाद आपको इस तरीके से सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन की जो है सेटिंग्स और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।